ये वाला, तो इन दोनों का मैं नो ब्रशेस, उसके बाद मैं एक रील शेयर कर दूंगी आपके साथ। वेलकम, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग गेस्ट गाइज। मैं किसी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट सिर्फ मैंने 2-3 वीडियो शूट करे हुए, इसके बाद वो वीडियोज़ आएंगी। एंड आज हम जा रहे हैं शादी में, कज़िन की ही शादी है वैसे, एंड आफ्टर ऑल घर की ही है, तो उसके लिए हम जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि मैंने स्किन प्रेप पूरी कर ली है, लेंसेज लगा लिए हैं, एज यू कैन स्किन सी, है ना। आप जल्दी जल्दी करिए क्योंकि इसीलिए मैं आज अलग रूम में आई हूँ एकदम, कि यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ साउंड आए। और स्किन प्रेप मैंने कर ली थी, टोनर वगैरह लगा दिया, मॉइस्चराइजर लगा दिया था, ठीक है, एंड लिप्स स्क्रबिंग कर ली थी। अब मैं लूँगी, अगर आपको ऐसे दिख रहे प्रोडक्ट्स तो ठीक है। ये लिया मैंने स्विस ब्यूटी का प्राइमर, ठीक है, ये ड्यूई है, इसको लगाने के बाद जल्दी से आती हूँ। तो ये जितने भी हमारे डार्कर एरिया है, और गाइस ये जो पिंपल्स आ जाते हैं ना बिना बुलाए मेहमान, इनको भी वेलकम करते हैं, ठीक है। इनको सारा हाइड करेंगे और इसको पूरा सा अच्छे से, ठीक है। तो ये हम इतना से एक ड्रॉप लेंगे डार्कर लाइटर शेड, और इसको हम मिक्स करके पहले अपनी आई कंसील करेंगे, उसके बाद इसको अच्छे से पाउडर से सेट करने के बाद हम फाउंडेशन, उसके बाद मैं कंसील करने के बाद अच्छे से, ये मैं ब्लू हेवन का कॉम्पैक्ट पाउडर है, उसे अपने जो कंसील एरिया है जैसे अंडर आई प्रॉपर्स, अब मैं ले रही हूँ ये फिट मिका 130, ये मेरा शेड है। तो मैं ये कंप्लीट कर गया, और इसके मैंने दो शेड्स लिए अभी वैसे बेसिकली, ठीक है। एक लिया है मैंने ये वाइट वाला, और एक ये दोनों को मिला के, ठीक है, तो इनको मिला के मेरे का ये शेड बना है। इसके ऊपर मैं जो मेरी हुदा ब्यूटी की पैलेट है, ठीक है, ये वाली है, मैं आपको एक आई करके दिखा दूँ, दूसरे आई करके मैं इसका मैं यूज़ करूँगी जो मेरे कपड़ों से मिलता हुआ मैच कलर आ रहा है। एक ये है कॉपर में और एक ये वाला, तो इन दोनों का मैं कंबाइन करके देन मैं आई के ऊपर लगाऊंगी। लुक एट देन क्या आता है इसके बाद, ठीक है। These two eye palettes is enough for any kind of makeup, ठीक है। ये मेरा आई हो गया है, अब इसके ऊपर मैं लैशेज देन कर्ल करके देन आई लेट यू नो कि हाउ आई डू, ठीक है। आई का मेकअप ऑलमोस्ट डन है, ठीक है ना। मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इसमें कि हाउ टू अप्लाई आई लैशेज विद इन 3 मिनट, जिस दिन मुझे आ जाएगी। तो गाइस जल्दी से मैंने लैशेज लगा लिया, मैं लाइनर लगा के पूरी प्रॉपर आपको मतलब अपनी आईज दिखाती हूँ, ठीक है। एंड यस गाइस, लुक एट माय आईज, तो ये मैंने प्रॉपर लाइनर वगैरह लगा के लैशेज वगैरह लगा के ये लुक आ रहा है, एंड आई जस्ट लव्ड इट। अभी भी मुझको आई लैश को थोड़ा सा कर्ल करना है कर्लर से, एंड आफ्टर दैट मुझे लोअर लैश भी कर्ल करनी है, उसके बाद प्रॉपर लुक आएगा। फिर उसमें मैं लोअर लैश में अच्छे से जो मैंने अपर लैशेज में मतलब आई शेडोज यूज़ करी वो लगाऊंगी, उसके बाद प्रॉपर इन्हेंस होंगी आईज, ठीक है। आप देख सकते हो आपकी पहले वीडियो में जाके देखो, और आप देखो कितनी आईज बड़ी बड़ी लग रही है। तो अभी मैं ये जल्दी से करके तब आपसे मिलती हूँ, वरना बहुत वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग बोर हो जाते हैं, तो ये मैं नहीं करना चाहती, तो जल्दी से मैं आई, ठीक है। एंड यस गाइस, आप देख सकते हो मैंने लोअर लैश भी लगा दी। अब मैं अपने ब्रोज को फिल करूँगी। अब मैं ब्रोज को फिल करने के लिए क्या करती हूँ, सबसे पहले ये मेरा पाउडर वाला है, ठीक है, उसके बाद मैं वो करती हूँ जो मश्कारा है वो लगाती हूँ। तो मैं आपको प्रॉपर करके देन आई शो यू, ठीक है। आई शेडो है मेरे, आई शेडो में से मैंने ये ब्राउन वाला उठाया, देन जिससे कि मेरी जो आईब्रोज हैं वो नेचुरल लुक दे, कोई ज़्यादा ब्लैक ना दे, ठीक है। तो ये करके आई लेट यू नो, ठीक है। ये भी मैं फिंगर का ही यूज़ करती हूँ गाइस, नो ब्रश। डार्कर शेड से आउटर्स फिल करेंगे, आफ्टर दैट हम लाइट शेड लगाएंगे। अब मैं लिप्स करूँगी जल्दी से अपने, ये स्विस ब्यूटी का मेरा वो है मैट लिपर बोल्ड, इसका शेड पता नहीं कहाँ छुपा हुआ है,
एंड गाइज इसके बाद मैं तीन शेड्स मिक्स करके करने के बाद मैं अपने लिप्स में अप्लाई करती हूँ, तीन शेड्स लगाती हूँ और उसके बाद मैं लगाऊंगी लिप ग्लॉस। एंड गाइज जो भी शेड्स हैं मैं साइड में पिक्चर डाल दूंगी, स्विस ब्यूटी का है, शुगर के शेड्स हैं ये, तो मैं साइड में ज़रूर मेंशन कर दूंगी कौन कौन से शेड मैंने लगाया है। एंड गाइज लिपस्टिक लगाने के बाद मैं उसको अच्छे से लाइट करती हूँ थोड़ा सा, कि मतलब ज़्यादा लुक ना आए इसका, सिर्फ मैट लगाने के लिए इसके ऊपर हम ग्लॉस लगाएंगे, ठीक है। दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक, ठीक है। कोई लिक्विड वाला ब्रश नहीं ले रखा है मैं, इन्हीं जो मेरे पास लिपस्टिक्स है मैट लिपस्टिक है उनको ही मैं एज अ ब्लशर लगाऊंगी। एंड यू नो गाइज आपको थोड़ा सा ब्लशर का वो दिख रहा है, मैंने यहाँ से डॉट 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 करके देन अप्लाई कर लिया फिंगर से। एंड अब लगाऊंगी मैं हाइलाइटर, ये है मेरा शुगर का। कभी भी हाइलाइटर यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, हमेशा जो हमारी आई बोन है हमेशा आई बोन में ही लगाना है, ठीक है। एंड नेवर फॉरगेट योर आई कॉर्नर्स, इट विल हाईलाइट योर आईज, ठीक है। एंड योर ब्रो बोन, ठीक है, ये बोन भी नहीं भूलनी क्योंकि इससे ही थोड़ी सी हमारी आई ब्रॉड लगती है, ठीक है। फिक्सर, अगर आपके पास फिक्सर नहीं है गाइस तो आप एज अ टोनर भी लगा सकते हो कोई भी, बट स्प्रे करना है उसको, ठीक है। गाइस ये शेड लिया है मैंने एकदम न्यू, ये लगाती हूँ। एंड गाइस मैंने बहुत कम कर दिया है अपने नेल एक्सटेंशंस करवाना, उसके मेरे को बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स पता चले, तो कभी बहुत बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट घर का फंक्शन हुआ देन मैं करवाऊँगी, अदरवाइज ऐसे नहीं, तो मैंने ये लिया है। चार ऑप्शन है, एक तो बताओ गाइस, बताओ आप लोग कैसे बताओगे जब तक ये हो वीडियो आएगी तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा। ये फाइनल, प्लीज कमेंट में बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ एंड हाउ इज माई लुक। माई फेवरेट वॉच, इसके बिना गाइस मैं कहीं नहीं जाती, सॉरी सॉरी। रेडी शो पूरा हाथ, सो यस गाइस दिस इज व्हाट आई वेयर एंड ये था मेरा गेट रेडी विद मी इन वेडिंग सीजन। तो ये है चूड़ी विच आई वेयर, ठीक है, एंड इयर रिंग्स, ठीक है, एंड वॉच माई रिंग्स, तो आई हैव टू ऑप्शंस, ठीक है। तो ये नहीं जा रहा है ऑफकोर्स, ये रोज गोल्ड है, तो आई एम गोइंग टू वेयर दिस वन, ठीक है। बस आपको उसका तो पर्दा दिखा दिया, इसके बाद मैं एक रील शेयर कर दूंगी आपके साथ जो मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल में डालूंगी। तो अगर आप लोगों को और लुक्स भी चाहिए तो आई डेफिनेटली गोना मेक वीडियो एंड होप आपको पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखना, लव यू ऑल।